हाँ जी, क्लास 11th आपकी लास्ट पोयम है। क्या नाम है? फादर टू सन। फादर टू सन, ठीक है। फादर टू सन किसने लिखी है? एलिजाबेथ जेनिंग्स ने। एलिजाबेथ जेनिंग्स ने इसे लिखा है। ठीक है, किस बारे में है देखते हैं। फर्स्ट स्टैंजा क्या कह रहा है कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। स्टैंजा फर्स्ट है और इसको हम कहते हैं फर्स्ट। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टूगेदर नाउ। दो वी हैव लिव्ड टूगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स आई नो मैं जानता हूँ नथिंग ऑफ हिम उसके बारे में कुछ नहीं। नथिंग ऑफ हिम सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ अप ए रिलेशनशिप अप ए रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज वैन ही वॉज वैन स्मॉल येट आई हैव येट हैव आई किल्ड येट हैव आई किल्ड। देखिए इसका हिंदी अर्थ तो बहुत आसान है कि मैं इस बच्चे को नहीं समझता। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मैं इस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। यद्यपि हम काफ़ी सालों से एक साथ रह रहे हैं एक ही घर में, क्योंकि अब हम काफ़ी सालों से एक ही घर में रह रहे हैं यद्यपि हम काफ़ी सालों से एक ही घर में एक साथ रह रहे हैं तो भी मैं इस बच्चे को नहीं जानता हूँ। आई नो मैं जानता हूँ, आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज एन स्मॉल, इसलिए कोशिश करता हूँ एक रिलेशनशिप एक संबंध बनाने की कि किस प्रकार से कब से जब वह एक छोटा बच्चा था तो भी क्या मैंने मार दिया, तो भी क्या मैं मार चुका उसको। तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो लाइनें हैं एक तो ये बताती है कि एक पिता के कष्ट को प्रकट करती है जिसका अपने पुत्र के साथ समस्त रिश्ता टूट चुका है। पिता अपने पुत्र तथा उसकी इच्छाओं को समझ पाने में असफल रहता है। पिता एवं पुत्र एक ही घर में 7-7 वर्षों तक रहे हैं फिर भी पिता अब अपने पुत्र के बारे में कुछ नहीं जानता है। वह टूटे रिश्ते को पुनः बनाने की सोचता है, वह प्रारंभ से ही शुरुआत करना चाहता है जब वह एक छोटा बच्चा था जिसे पिता पूरी तरह समझा करते थे। ठीक है,
लेकिन फिर भी उसने क्या किया पिता ने, फिर भी क्या मैंने ये सब कुछ नष्ट कर दिया, ठीक है, येट आई हैव किल्ड। तो फर्स्ट स्टेंजा आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु डज दिस चाइल्ड रेफर टू, हु डज दिस चाइल्ड रेफर टू, ये बच्चा किसको संदर्भित करता है, इससे आशय क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हु हैव lived in the same house, who have lived, who have lived in the same house, in the same house, in the same house, how long, हाउ लॉन्ग। तीसरा प्रश्न है एक्सप्लेन आई नो नथिंग ऑफ हिम, एक्सप्लेन आई नो नथिंग ऑफ हिम, इसको समझाना है। फिर चौथा व्हाई डज द पोइट वांट टू बिल्ड अप, व्हाई डज द पोइट वांट टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप, वांट टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वाज, फ्रॉम हाउ ही वाज एंड नॉट ही इज, एंड नॉट ही इज। प्रथम प्रश्न क्या कह रहा है कि यहाँ पर चाइल्ड किसके लिए आया है, तो हमने पढ़ा है फर्स्ट स्टेंजा में हमने क्या पढ़ा है कि यह कवि के पुत्र के लिए यूज हुआ है, जिसे कवि के सभी रिश्ते समाप्त कर, जिससे के हुआ है, जिसने कवि से अपने सभी रिश्ते समाप्त कर लिए हैं। दिस चाइल्ड रेफर्स टू द सन ऑफ पोइट, ऑफ द पोइट हु हैज फिनिश्ड ऑल रिलेशनशिप बिटवीन देम, उनके बीच के सारे रिश्ते उसने, जिसने सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं। कौन रहता है, द पोइट एंड हिज सन हैव लिव्ड इन द सेम हाउस टूगेदर फॉर ईयर्स। पोइट और उसका बेटा, यानी कवि और उसका बेटा काफ़ी सालों से एक ही घर में रह रहे हैं एक साथ।
काफ़ी वर्षों से, ये तो सीधी लाइन ही है कविता की, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब बताओ कि आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। देखो यहाँ पर ये बता रहा है कि पिता और पुत्र के बीच पूर्ण रूप से सारे संबंध अलग हो चुके हैं, ठीक है, उनके बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं है, इसलिए पिता कहता है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। तो इसको अपन अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन हैज बीन वैनिश्ड। द रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन हैज बीन वैनिश्ड, यानी वो सब बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, जो संबंध होता है पिता पुत्र का वो समाप्त हो गया है। दैट्स वाई द फादर हैज नो कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं है, एंड नो नथिंग ऑफ हिम, और उसके बारे में कुछ नहीं जानता है। फिर है चौथा प्रश्न कि भाई कवि जो रिश्ता बनाना चाहता है उससे, कि वे क्या था, इस पर आधारित करना चाहता है, ना कि क्या है पर क्यों। यानी वो कहता है कि जब वो छोटा था तो उसने एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो सब कुछ बिगड़ गया है। वो अभी नहीं, वो बहुत पुराने समय से, जब वो छोटा था, व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, जब से। तो कारण ये है कि पिता पुत्र के बारे में, पिता जो है पुत्र के बारे में कुछ जानता नहीं है, इसलिए यहाँ से कोई रिश्ता बनाना संभव नहीं है। दूसरी तरफ पिता पुत्र दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छी तरह से जानते थे, जब वह पुत्र बालक था, अतः यहाँ से रिश्ते को बनाया जा सकता है। द पॉइंट सेज सो, यानी कवि इसलिए ऐसा कहता है, सो बिकॉज ही हैज नोन हिज चाइल्ड फ्रॉम चाइल्ड व्हेन ही वाज ए चाइल्ड व्हेन, या फिर फ्रॉम चाइल्डहुड, ही हैज नोन हिज चाइल्ड फ्रॉम चाइल्डहुड। Presently, he knows nothing of him. He knows nothing of him. So, but he can try upon it on the past basis. भूतकाल के आधार पर वो इस पर एक कोशिश कर सकता है। भूतकाल मतलब उसके बचपन के रिलेशनशिप से उसको जानता है, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं जानता ही, ठीक है, नथिंग ऑफ हिम, उसको तो जानता है, उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन इसलिए वो क्या कर सकता है कि इसके जो पास्ट बेसिस है, यानी उसके बचपन के जो रिलेशनशिप रहे थोड़े बहुत भी, उसके हिसाब से वो ऐसा कह रहा है। प्रेजेंटली तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन भूतकाल के हिसाब से वो अपने बच्चे से एक संबंध बनाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। फिर आप देखिए दूसरा स्टेंजा, द सीड आई स्पेंट, ये यहाँ से समझ में आएगा
कि यट हैव आई किल्ड, ध्यान रखना, ठीक है। द सीड आई स्पेंट, द सीड आई स्पेंट और सोन इट वर, और सोन इट वर, सॉरी ये वेयर है, सोन इट वेयर, द लैंड इज हिज, द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, नन ऑफ माइन, क्वेश्चन मार्क। वी स्पीक द स्ट्रेंजर, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, देयर वर नो साइन ऑफ, देयर वर नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देयर वर नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन। येट वॉट ही लव्स, येट वॉट ही लव्स आई कैनॉट शेयर, आई कैनॉट शेयर। तो सीड, बीज मैंने खर्च किया, उसको पाला पोसा, जहाँ वो धरती जो उसकी थी, मेरा उससे कोई संबंध, मेरा क्या उससे कोई संबंध नहीं है। हम अजनबियों की तरह बोलते हैं, देयर वर हमारे बीच में कोई समझ का कोई प्रतीक साइन नहीं है, वातावरण में, माहौल में, इन द एयर, ये लड़का मेरा ही प्रतिरूप है, दिस यानी बनाया हुआ है, माय डिज़ाइन मेरा ही प्रतिरूप से बना हुआ है, तो भी ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, तो भी वह प्रेम करता है लेकिन उसको मैं शेयर नहीं कर सकता। तो इस चक इसमें ये क्या बोलने जा रहा है, इसको समझिए। कि यद्यपि जो पिता है उस संबंध का पुनर्निर्माण करना चाहता है जो उसके तथा पुत्र के बीच में था, फिर भी वह ज़्यादा आशान्वित महसूस नहीं करता, ठीक है। उसे लगता है कि शायद उसने उस संबंध के बीज को ही नष्ट कर दिया है, उसने अपना सारा समय व ऊर्जा उस संबंध को पोषित करने में लगाया था। वह यह भी महसूस करता है कि उसने संबंध के उस बीज को उस जमीन पर बो दिया जो उसके पुत्र की है, उस तथा जिस पर कवि का कोई अधिकार नहीं। इसका मतलब यह है कि संबंध के जिस बीज को उसने परिश्रम के पाला था, वह अब किसी और व्यक्ति की जमीन पर खिल रहा है, फल फूल रहा है। पिता एवं पुत्र परस्पर अजनबियों के समान बात करते हैं, उनके बीच कोई सहानुभूति अथवा समझ नहीं है। कवि चाहता है कि उसका पुत्र प्रत्येक बात में उसका अनुसरण करे। उसने पुत्र को स्वयं की प्रतिलिपि बनाना चाहा, लेकिन उसका पुत्र अपने रास्तों पर चल पड़ा जो पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया कि वो जो यहाँ से समझ, ये चीज़ इससे ही कनेक्ट है कि जो संबंध के उसने बीज बोए थे पिता पुत्र के बीच में, उसको पाला पोसा,
और उस पे समय खर्च किया, उस बीज को बोया, उसको उस पे समय खर्च किया, उसको पाला पोसा, ठीक है, क्या वो उसने खुद नहीं नष्ट कर दिया? क्या मैंने ही नष्ट कर दिया? जो धरती जिस पर वो है अभी वर्तमान में, वो नन ऑफ माइन, वो मुझसे संबंध नहीं है। कहने का मतलब ये हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में तलाक हो गया और माँ अपने बेटे को लेके चली गई, अब वो किसी और आदमी के साथ रहती है। क्योंकि ये जो वेस्टर्न कल्चर है, इसी प्रकार का कल्चर है कि बेटा किसका है, बाप कोई और है, माँ कोई और है, फिर कोई स्टेप मदर स्टेप सन, इनका तो प्रचलन वहाँ से बिल्कुल आसान है और वो अजनबियों की तरह बात करते हैं। उनके बीच में कोई समझदारी का कोई प्रतीक, कोई वातावरण में कोई समझदारी सहानुभूति का कोई अंश ही नहीं है, कोई प्रतीक नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। बच्चा जो है, बच्चे वो मेरा ही, तो वो कहता है कि ये बच्चा मैंने पैदा किया है तो मेरा ही प्रतिरूप है, ये बच्चा बनाया गया है मेरे ही डिज़ाइन के अनुसार, यानी पिता जैसा ही दिखता है वो, तो भी उसने उन रास्तों को चुन लिया जो मुझे पसंद नहीं है या फिर मैं बताना नहीं चाहता। तो कहानी यही है, शायद यही है कि हस्बैंड वाइफ है, एक लड़का और एक लड़की ने शादी करी, उनके एक बालक हुआ, ठीक है, या फिर बालक हो, बालक तो हुआ, ठीक है, बालक होने के बाद उनका डाइवोर्स हो गया। अब वो जो पत्नी है वो अपने बच्चे को लेके कहीं और रहने लग गई है किसी और आदमी के साथ। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसने बोला था कि कुछ थोड़ी बहुत समझ थी, क्योंकि बचपन में तो मैं उसको जानता था, ठीक है, बच्चा छोटा था तो वो माँ के साथ ही चला गया। इसके क्वेश्चन आंसर हम कल कराएंगे।